दिनांक 21 अप्रैल 2020 को पुलिस महानिरीक्षक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कानपुर नगर व जिला अधिकारी द्वारा थाना ग्वालटोली कल्याणपुर आदि क्षेत्र अंतर्गत हॉटस्पॉट स्थानों में लॉकडाउन की तैयारियां व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया तथा संबंधितों को दिशा निर्देश दिए गए। हॉटस्पॉट क्षेत्र ग्वालटोली एवं रावतपुर का निरीक्षण पुलिस महानिरीक्षक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के साथ किया जा रहा है। आईजी श्री मोहित अग्रवाल एवं मंडलायुक्त डॉक्टर सुधीर एम बोबड़े द्वारा संयुक्त रूप से हॉटस्पॉट यतीम खाना लकड़ मंडी एवं गमले खां का हाता कर्नलगंज आदि क्षेत्रों का निरीक्षण कर क्षेत्र में लॉकडाउन के नियमों के पालन की जानकारी प्राप्त की व सुरक्षा बलों का मनोबल भी बढ़ाया। कानपुर जिला अधिकारी द्वारा जानकारी के अनुसार कानपुर में 3 नए कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के बढ़ने के बाद कुल संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 77 हो गई है। कानपुर के जिलाधिकारी द्वारा लॉकडाउन का कड़ाई से सभी निवासी अनुपालन करें, नियमों को न मानने वाले के विरुद्ध FIR की कार्यवाही की जा सकती है। करते हुए हमें इस लॉकडाउन को सफल बनाना है, उस क्रम में और भी अधिक सख्ती करते हुए बड़े पैमाने पर ड्रोन कैमरों से निगरानी करते हुए हमें उन सब लोगों के विरुद्ध अब कार्यवाही पर कठोरता से बाध्य होना पड़ रहा है जो समझाने बुझाने और बार बार अपील करने के बाद भी मान नहीं रहे हैं। ये सब लोग समाज और कानून की नज़र में निश्चित ही समाज के हितैषी नहीं हैं, तो इन पर हमें जो है कठोर कदम उठाने पर बाध्य होना पड़ रहा है। हम इस पर कोई भी कदम उठाने से नहीं हिचक रहे हैं और इन सभी लोग जो लॉकडाउन को कहीं भी किसी रूप में तोड़ रहे हैं उनके विरुद्ध हम FIR करेंगे। घंटाघर चौराहे पर लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों की जांच की जा रही है एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही भी की जा रही है।